हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप एससीवी टेस्ट कर सकते हो अपने घर में ही। जो एससीवी का फुल फॉर्म है, हेपेटाइटिस सी वायरस टेस्ट। देखो, इंसान का खान पान अच्छा नहीं होता, शराब ज्यादा पीता है। इससे क्या हो जाता है कि बहुत सारी बीमारियां लग जाती है तथा लीवर डैमेज हो जाता है। तो क्या हमारे अंदर ऐसा वायरस आ चुका है? क्योंकि इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो लास्ट में इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ठीक समय में इनिशियल स्टेज पे हम इसका टेस्ट करा लें तथा इसको देख लें, अगर है तो इसका अच्छा ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले इस ट्रीटमेंट में सिम्टम्स क्या होंगे? हाँ, सिम्टम्स भी किसी को लीवर की प्रॉब्लम होगी, लीवर ठीक में उसके है, कोई पेट में खाना दर्द होगा, दर्द होगा, दर्द होगा, खाना पीना उसको अच्छा हजम नहीं नहीं हो हो, रहा उसका है, खून कम खून बनना कम बनना हो, तो बनेगा, वो लेबोरेटरी या डॉक्टर के पास उसे जाके जाए। उसका टेस्ट होगा। हाँ, टेस्ट ठीक होगा। है, तो सबसे पहले देखो, इस टेस्ट में हम क्या करेंगे, सैंपल ले लेंगे, ब्लड सैंपल। कौन सी नीडल चाहिए इसके लिए? इसके लिए के कोई लिए भी नीडल कोई भी चाहिए, नीडल चाहिए उससे ब्लड सैंपल हम ले लेंगे। ले लेंगे। ठीक, ये ब्लड सैंपल ले लिया। ये हमारे पास सिरिंज है। जी सर। हाँ, ये इसमें कितना का हम ब्लड लें? 1 ml सर। 1 ml का इसका ब्लड ले हाँ लें, जी सर, जस्ट जाएगा ले लें उसके वेन से, कहीं से वेन से आप हाँ, ले लें वेन से ही ब्लड। होगा सर। ठीक है, जी सर। तो ये ब्लड सैंपल 1 ml का हमने ले लिया। जी, सेकंड जो स्टेप है वो क्या बताना है? सेकंड है सर, इसको सैंपल को लेकर ना एक ट्यूब में, प्लेन ट्यूब, ठीक है, प्लेन ट्यूब, हाँ ग्लास ट्यूब में प्लेन ट्यूब, भी, इसको ग्लास ट्यूब कह सकते हाँ जी हैं। हाँ, हाँ जी, ट्यूब में, डालकर हमने डाल देना है। डाल दो सर। ठीक है, फिल कर देना है, हाँ जी, भर देना है। ठीक है ओके, ठीक इसको, है। ये हमारे एंड पास ट्यूब थी, यहाँ जी, यहाँ ट्यूब थी, ये ट्यूब है हमारे पास। इस ट्यूब में हमने इतना, ये वाला 1 ml डाल देना है। हाँ, इससे ठीक हाफ है, होगी वो। हाँ, अब एक मशीन आती है, उसमें मिक्स करना है नहीं, मिक्स नहीं अभी। सर, हाँ, इसको लेकर ना डालकर अब इसको रख दो 10 मिनट। इसको इसको रखना है। हाँ, 5-10 मिनट। ठीक है, कीप इट फॉर 10 मिनट्स 10 मिनट्स इन ड्राई प्लेस। ड्राई प्लेस नहीं, वैसे ही टेम्परेचर पे रखना है, नॉर्मल से जेड़ा अच्छा, रूम वो टेम्परेचर। ड्राई प्लेस है, हाँ जी सूखा दिखावे होते हैं, सूरज की रोशनी ना हाँ आए। जी हाँ। अब चौथा स्टेप का क्या रखना है? चौथा सर, इसको फिर इंक्यूबेटर या वाटर बाथ च रखना है, सेवन 37 अच्छा, टेम्परेचर। देखो, अब एक वाटर बाथ होता है जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री है, उसे टेम्परेचर मापने वाले से देख लो, जी, तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला वाटर टेम्परेचर बाथ हो, या वाटर, ठीक है, बाथ बात हो, उसमें रख दो, इसको कीप करना, इसको रखना है। हाँ जी, आपने जो ये सैंपल लिया था उसके पर्सनली समेत एक वाटर बाथ में रख देना है। ठीक है, कितने मिनट रखना है इसको? रखना कीप है तो 10 मिनट 10 15 मिनट मिनट रख जब दो, भी इसका ये जो टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाए। जी, अब फिफ्थ स्टेप क्या उठाना है? फिफ्थ स्टेप सर, इसको निकाल कर जब वो क्लॉट नीचे हो जाए और सीरम ऊपर आ जाए, अलग अलग हो जाए। यानी इसका क्लोट है वो नीचे आ जाएगा, सीरम जो है वो ऊपर सीरम आ जाएगा, सीरम प्लाज्मा कहते हैं उसको। नहीं, सीरम। अच्छा, वो अलग हो जाए तो क्या करना है तो आगे? इसको सर एक इंक्यूबेटर आता है, हाँ, इसका है, सेंट्रीफ्यूज, मैं देख रहा हूँ। सेंट्रीफ्यूज, हाँ, ये इसके बाद है, सेंट्रीफ्यूज मशीन हाँ है। मशीन है सर। अब इसको उठा के सैंपल हाँ को जी सेंटर प्रीफ्यूज जी सर। फ्यूज मशीन में डाल देना है। हाँ, डाल देना है। इसके ठीक कंपैरिजन है, में इस एक सैंपल को, ये सैंपल उठाया था, ये सैंपल को और 4 स्टेप हुआ करके इसमें डाल देना है। हाँ, ठीक है, अब ये मिक्स होगा, मिक्स होगा। इसके इसमें मिक्स हो गया, कंपैरिजन घूमेगा बहुत, मशीन घूमेगी, इसमें ये सैंपल जो है घूमता जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जी, अब क्या होगा इसके बाद? मिक्स इसको इसके बराबर एक कंपैरिजन में रखनी है ट्यूब, एक वाटर रख की ट्यूब रखनी है इसके कंपैरिजन में। हाँ, ठीक है, कंपैरिजन में रखकर यहाँ पे इसको घुमाना घुमाना है, हाँ, घुमाना है 2 मिनट्स 2 मिनट्स तो अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा, मिक्स अलग उसको अलग हो जाएंगे, क्लोट नीचे हो जाएगा तो सिर्फ अलग से मतलब शो हो जाएगा। उसके प्लेन बाद 6 स्टेप हो जाएगा। तो 6 स्टेप है, कार्ड लेना है अपने, SC कार्ड, इसको जेबी कहते कार्ड, हैं, इसका नाम है एस HCV। एच सी वी कार्ड, जो हाँ तुम टेस्ट HCV कर रहे हैं, इसका HCV कार्ड ले लिया हमने। जी सर। लेके इसको कहाँ पे रखना है? एक कंप्लेन एक जेब कंटेनर, कर कंटेनर पे रखा रखना है। है, हाँ, नहीं कंटेनर, प्लेन मतलब पे रखा है कंटेनर में उसको। रख सकते हो आप, हाँ जी, कंटेनर में
इसको कंटेनर में रख के ठीक है अब नेक्स्ट इसको डॉप्स डालनी है इसकी बफर बफर देखो बफर अब सातवें स्टेप में हम आ रहे हैं देखो सातवां स्टेप है हमारे पास बहुत सिंपल सा है सातवां स्टेप हम डालेंगे देखो ये हम इसको गार्ड को शो कहते हैं छोटा सा ये गार्ड है इसका नाम है एच सी वी गार्ड ठीक है और हमारे पास केमिकल है एक है बफर बफर और एक है कंजुगेट है ये हमारे दो केमिकल हैं केमिकल है और एक तीसरा हमारे पास सैंपल है ब्लड ब्लड सैंपल मतलब ब्लड सैंपल ही कहेंगे क्योंकि ओरिजिनल वही था ठीक है जिसके हमने अभी तक मतलब छह स्टेप कर चुके हैं जी ये सातवां स्टेप है स्टेप पे बैठे हैं अब क्या होगा सातवें स्टेप में सबसे पहले इसके दो डोप्स इसके एक डोप्स ये दो ये आप करके दिखाइए छोटा सा कार्ड है उसमें तीन लोकेशंस बना दिए हमने अब ए बफर है जेड़ा फर्स्ट है ये केमिकल है बफर यानी ये केमिकल है इसकी वन डोप्स इसके यहाँ डालनी है इसकी वन डोप्स पहले डाल दी हमने ठीक है अब फिर सैंपल की वन डोप डाल दी इसके ऊपर ही हाँ ये इसको वेट करना है इसको वेट नहीं दो मिनट इसको सूख लेने दो अच्छा इसका वेट करना है वेट ठीक है वन मिनट के लिख देते हैं वन मिनट ये सूख जाएगा ठीक है ड्राई हो जाएगा ब्लड ठीक है टू ड्रॉप्स अब इसके दो ड्रॉप्स डाल देने इसमें ब्लड टू ड्रॉप्स जी ये ड्रॉप्स डाल दिए अब फिर वेट करना है ये वेट करना है हमने टू मिनट्स दो मिनट के लिए अब हमने कंजुगेट केमिकल की कंजुगेट नहीं फिर बफर फिर दोबारा हमने फिर बफर की टू दोबारा दोबारा हमने दो डोप्स डाल दी है टू डोप्स ठीक है जी अब लास्ट में इसको फिर वेट करके कंजुगेट फिर कंजुगेट किए हमने इसमें कितने डोप्स डाल दिए टू डोप्स अब ये हमारे पास आ गया हाँ, अब रिजल्ट आएगा हमारे पास क्या रिजल्ट क्लियरली शो होगा बफर की फाइव ड्रॉप्स डालने के बाद फाइव ड्रॉप्स यानी ये दो के बाद कंजुगेट टू टू लिख दो दो इसके बाद फिर पांच और ड्रॉप्स डाले हां बफर के फाइव फिर पांच और इसके ड्रॉप्स डालने हैं फाइव ड्रॉप्स तो क्लियर हो जाएगा अब रिपोर्ट बताओ एक क्लियर हो जाएगा मतलब लोकेशन है कि ये क्या लोकेशन बनती है इससे हमारी रिपोर्ट आएगी कि वाकई एचसीवी टेस्ट में से हाइपी क्या इसका नाम है हेपेटाइटिस सी वायरस है कि नहीं है अगर इसके रिजल्ट में बता रहा हूँ अगर ऐसे आ जाए ऐसे यहाँ इकट्ठा हो जाए इकट्ठा हो जाए तो ये जितने भी डॉग्स हैं एक जगह पे एक पॉइंट पे आ जाए इकट्ठे हो जाए तो नेगेटिव रिपोर्ट है कोई घबराने की बात नहीं है ये वायरस हमें नहीं लगा नहीं लगा आगे अगर और थ्री ड्रॉप्स बन जाते हैं हाँ जी कार्ड के अंदर ठीक है तो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव अगर तीन जगह पे अलग अलग घूमते ड्रॉप्स की बिखर जाती हैं इट मींस ये इसकी सिचुएशन है मतलब कि ये जो रिपोर्ट आएगी पॉजिटिव आएगी मतलब कि एक बिंदी यहाँ एक बिंदी यहाँ एक बिंदी यहाँ तो ये पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी ठीक है तो इसका इलाज चलना चाहिए आपको वायरस लगा हुआ है हेपेटाइटिस सी वायरस लगा हुआ है ओके थैंक यू वेरी मच